हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है दिल्ली मेट्रो DMRC का 18 फरवरी 2020 में प्रथम पाली में, तो इस वीडियो में हम लोग आज पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने तमाम मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने राज्यसभा सीट हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्यसभा सीट हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। और देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देखिए महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु की बात करते हैं तमिलनाडु में 18। वर्तमान राज्यसभा के 245 सदस्य हैं जिसमें 233 सदस्य विभिन्न राज्यों एवं दिल्ली और पांडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, ऑस्कर 2020 हेतु भारत के किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ऑस्कर 2020 हेतु भारत की गुली बॉय फिल्म को नामित किया गया है। इस फिल्म के निर्देशक की बात करते हैं तो इस फिल्म के निर्देशक हैं जोया अख्तर। कलाकार की बात करते हैं तो इस फिल्म के कलाकार हैं रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। और इसकी जो रिलीज की तारीख है वो है 9 फरवरी 2019। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव झारखंड राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स 2019। पांचवा क्वेश्चन देखिए, फोन टैपिंग की गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो फोन टैपिंग की गोपनीयता आर्टिकल 21 के तहत है। इसके तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत के 65वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाल ही में भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी बने 13 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। इसकी जो थीम थी, थीम्स ऑफ वर्ल्ड सुन डे 2019 32 ईयर एंडिंग। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दसवां क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये अनुच्छेद 75 में वर्णित है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष में होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और वित्त व्यय आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, इनका कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वीवी रेड्डी, इनका कार्यकाल 2015 से 2020 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा शुरू की गई थी? गुरुमुखी लिपि जो थी ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी गुरु अंगद के द्वारा। कौन सी बीमारी भारत में पूर्णतया समाप्त हो गई है? कौन सी बीमारी है जो कि भारत में पूर्णतया समाप्त हो गई है? सबसे पहले 1977 में स्मॉल पॉक्स पहली जो बीमारी थी विश्व स्तर पर मिटा दी गई है। दूसरी जो बीमारी है वो है गिनी कृमि, पोलियो मार्च 2014 में इसे मिटा दिया गया है। पंद्रवा क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सभी को कोऑपरेटिव बैंकों का विलय कर दिया गया? देखिए केरल का नया नाम कर दिया केरला बैंक, 13 जिला का कोऑपरेटिव बैंकों का विलय हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित हैं? दुर्योधन सिंह नेगी बॉक्सिंग मुक्केबाज से संबंधित हैं। आईएमएफ का भारत में कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो आईएमएफ का भारत में कार्यकारी अध्यक्ष है सुरजीत भल्ला। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य में मार्शल आर्ट्स नहीं होती है? किस नृत्य में मार्शल आर्ट्स नहीं होती है? भवाई। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के जल के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, काबनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो काबनी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है।